हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। और आज के अपने सेशन में आगे बढ़ने वाले हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जिनसे पहले अपन लोगों ने 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब उसके आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू कर दें अपना पहला नंबर क्वेश्चन। नंबर पर नहीं जाएंगे, वैसे आपका 26 नंबर है लेकिन आज का अगर शुरू करें इसमें तो पहला नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नतम मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है। निम्नतम मूल्य पर एक सिद्धांत आया था जिसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, बेबर का सिद्धांत है, लॉस का सिद्धांत है, स्मिथ का क्षेत्रीय लाभकारी सिद्धांत है, या फिर आपका बॉन्थ यूनियन का सिद्धांत है। बताइए इसमें क्या होगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए, चार सिद्धांत दिए गए हैं, इनमें से एक सिद्धांत था जो कि आधारित था किस पर, निम्नतम मूल्य पर। इंग्लिश में देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट कॉस्ट। बेबर्स थ्योरी, लॉस थ्योरी, स्मिथ एंड स्पासियल प्रोबेबिलिटी थ्योरी, या फिर आपकी बॉन्थ यूनियन की थ्योरी आई थी। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा आप लोग कमेंट करिए। सही ऑप्शन आप लोगों का बेबर का सिद्धांत होगा। बेबर ने जो सिद्धांत दिया था अपना, उनका सिद्धांत इस पर आधारित था। इन्होंने सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था वो दिया था उद्योगों के स्थानीकरण के लिए। किसके लिए दिया था? उद्योगों के स्थानीकरण के लिए इनका सबसे पहले सिद्धांत माना जाता है। उद्योगों के स्थानीकरण के लिए इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था और प्रथम विद्वान इनको माना जाता है इसका, ठीक है। क्या माना जाता है इनको? प्रथम विद्वान इनको माना जाता है। और ये जो स्थानीकरण की विचारधारा थी, इससे पहले जो दी गई थी स्थानीकरण की, वो दी गई थी 1882 में, और उसके बाद में आप लोगों की दी गई थी 1885 में, ठीक है। दोनों डेट याद रख लेना अगर कभी पूछा जाए तो। और दी किसके द्वारा गई थी? तो ये दी गई थी विल्हेम विल्हेम लोनहार्ट के द्वारा दी गई थी ये, ठीक है। ये किसके द्वारा दी गई थी? विल्हेम लोनहार्ट के द्वारा ये वाली स्थानीकरण की विचारधारा दी गई थी। और इसमें क्या किया था इन्होंने? न्यूनतम लागत अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था और इसी के आधार पर ये चले हुए थे बेबर। तो आपका जो बेबर है, बेबर का सिद्धांत किस पर आधारित होगा? ये उद्योगों के स्थानीकरण पर। और जो परिवहन मूल्य होता है, परिवहन मूल्य पर क्या उसका होता है? सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इन्होंने जो मेन फैक्टर्स कुछ रखे थे, जब आप डिटेल में इसको पढ़ोगे तो वहां पर इन्होंने परिवहन मूल्य यानी कि जो परिवहन जो होता है आप लोगों का, भाड़ा जो होता है वो कम से कम होना चाहिए, लागत कम से कम होनी चाहिए और आपका लाभ ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, इस पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें आप लोगों का? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सूची एक दी गई है, सूची दो दी गई है। यहाँ पे नाम दिए गए हैं देश के एवं उनके खनन क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे फ्रांस दिया गया है, यूक्रेन है, जर्मनी है, यूएसए है, और ये आपका साल्गिल्टर क्षेत्र हो जाएगा, मशावी क्षेत्र हो जाएगा, लोरेन क्षेत्र है एवं किरबॉय रोग क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। ये वाले क्षेत्र किससे संबंधित है ये आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो आपको, आप हमें फिर भी कमेंट में लिख करके भेजेंगे तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। इंग्लिश में भी वही नाम है, इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्रांस, यूक्रेन, जर्मनी, यूएसए। साल्गिल्टर रीजन हो जाएगा आप लोगों का, मेसाबी रीजन है, लोरेन रीजन हो जाएगा, किरबॉय रोग रीजन हो जाएगा। तो इनको एक एक करके मैच कर लीजिए कहाँ पे कौन सा पाया जाता है। बात करें अगर फ्रांस की, तो फ्रांस में जो आपका क्षेत्र हो जाएगा, रीजन होगा, वो आपका लोरेन रीजन होता है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? लोरेन रीजन यहाँ पे पाया जाता है, यानी कि लोरेन क्षेत्र आपका कहाँ पे है? फ्रांस में हो जाएगा। अब बात आती है यूक्रेन की, तो यूक्रेन में आपका किरबॉय रोग देखने को मिलता है, ठीक है। ये किरबॉय रोग कहाँ पे हो जाएगा? ये आपका यूक्रेन में हो जाएगा। और इसके बाद में जर्मनी आएगा, जर्मनी में आपके साल्मेल्टर क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए आपका साल्वेल्टर, साल्वेल्टर क्षेत्र आपका जर्मनी में हो जाएगा। यूएसए रहा, यूएसए में आप लोगों को देखने को मिलेगा मेसाबी रेंज जो आपने सुना होगा, या फिर मिसाबी क्षेत्र, ये आपको यूएसए में देखने को मिलेगा।
अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन जो करेक्ट हो रहा है फ्रांस का लोरेन क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि ए का थर्ड हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट भी करेंगे तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ए का जो थर्ड दिया गया है वो केवल एक में दिया गया है, इनमें से किसी में नहीं दिया गया। तो कभी कभी ये वाले क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ईजी भी हो जाते हैं तो कभी कभी बहुत टफ भी हो जाते हैं, क्योंकि इनमें जो डिफरेंस रहता है वो एक ही का इधर उधर रहता है। ठीक है, तो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, इसलिए आप लोग को सब पता होना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित को भारत में अंबारीय, किसको अंबारीय जहाज रानी व्यापार 2001 के संदर्भ में घटते क्रम में लिखना है, किसमें लिखना है, घटते क्रम में आप लोगों को लिखना है, यानी कि ज्यादा से घटते क्रम में लिखना है, बड़े से छोटे की तरफ में चलना है आप लोगों को। कांडला दिया गया है, चेन्नई, मुंबई, विशाखापत्तनम दिया गया है। बी में आप लोगों का मुंबई, कांडला, चेन्नई एवं विशाखापत्तनम दिया गया है। सी में आप लोगों का विशाखापत्तनम, चेन्नई, कांडला, मुंबई, मुंबई, चेन्नई, विशाखापत्तनम, कांडला। बताइए आंसर, बताइए फटाफट से आप लोग। 2001 के अनुसार आपको चलना है। ठीक है, इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिए, अरेंज द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू बल्क शिपिंग ट्रेड्स 2001, यानी 2001 इन इंडिया इज डिसेंडिंग ऑर्डर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर जो होगा आप लोगों का, सबसे ज्यादा जो होता था मुंबई में होता था। कहाँ पे होता था, मुंबई में होता था। मुंबई के बाद में आप लोगों का चेन्नई आता है, चेन्नई के बाद में आपका विशाखापट्टनम, और उसके बाद में आपका कांडला हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, घटते क्रम में है। यहाँ पे क्या होता था, शिपिंग ट्रेड चलते हैं, अंबारीय जहाज रानी, या फिर आप हिंदी में नहीं समझ पाएंगे, यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में याद रखिएगा, अंबारीय जहाज रानी क्या होता है, ये आपका शिपिंग ट्रेड्स होती है, यानी कि शिप के द्वारा जो व्यापार होता है वो ये अंबारीय जहाज रानी होता है। डी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैकिंडर के हृदय स्थल सिद्धांत में हिंद महासागर को सम्मिलित किया गया था, बाहरी परत में, आंतरिक परत में, द्वितीयक हृदय स्थल में, या फिर विश्वद्वीप में। इंग्लिश देख लीजिए, इन मैकिंडर्स हार्टलैंड थ्योरी द इंडियन ओशियन वाज इंक्लूड इन आउटर क्रिसेंट, इनर क्रिसेंट, या फिर सेकेंडरी हार्टलैंड, या फिर बर्ड आइसलैंड। तो जो आपका मैकिंडर का हृदय स्थल सिद्धांत है, इसमें इन्होंने तीन परतें रखी थी, जिसमें पहला इन्होंने रखा था हृदय स्थल, यहाँ पे लिख लीजिए, पहले में इन्होंने रखा था हृदय स्थल। ठीक है, और इसके बाद में इन्होंने दूसरे में रखा था आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी, आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी रखा था दूसरे में इन्होंने, और इसके बाद में तीसरा आता है, तीसरे में इन्होंने बाह्य अर्धचंद्राकार, ठीक है, बाह्य अर्धचंद्राकार पेटी को इन्होंने तीसरी पेटी में रखा था। ये आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अब ये बात कर रहा है किसकी, जो अपना हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, इसको कहाँ पे रखा था। तो जो आपका इंडियन ओशियन है, इन्होंने सबसे बाहरी परत में रखा था, तो ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, इंडियन ओशियन आउटर क्रिसेंट में इनके द्वारा रखा गया था। एक और देख लीजिए कि जो हृदय स्थल सिद्धांत है, ये आया कब था, आप लोग को देखने को कब मिला था, तो ये इन्होंने लिखा था 1904 में इनका ये सिद्धांत आया था, और इसमें ही इन्होंने भौगोलिक धुरी को भी प्रस्तुत किया था। भौगोलिक धुरी यानी कि जब आप जाओगे नॉर्थ में, नॉर्थ में इन्होंने जो हृदय स्थल में रखा था, जो आपका यूरोप का पार्ट है, एशिया का पार्ट है कुछ पार्ट, और जो आपका अंटार्कटिक क्षेत्र है, इन्होंने जो मेन रखा था, मेन जो इन्होंने शक्ति दी थी वो किसको दी थी, महाद्वीपों को दी थी। ठीक है, ना कि महासागरों को, महाद्वीपों को इन्होंने मेन शक्ति दी थी। ठीक है, और इन्होंने जो अध्ययन किया था, इसमें इन्होंने बताया था कि जो समुद्री शक्तियां हैं, यानी कि जो महासागर या फिर जो समुद्री शक्तियां हैं, ये क्षीण हो जाएंगी, क्या होंगी, समुद्री शक्तियां क्षीण होंगी, यानी कि कम होंगी, किसके द्वारा, महाद्वीपीय शक्तियों के द्वारा। ठीक है, समुद्री शक्तियां क्या हो जाएंगी, क्षीण हो जाएंगी, और जो अंतिम विजय होगी, यानी कि जो जीत होगी महाद्वीप और महासागरों पर, वो किसकी होगी, महाद्वीपीय शक्तियों की, यहाँ पे जीत होगी, किसकी हो जाएगी, यहाँ पे महाद्वीपीय शक्तियों की जीत होगी। ठीक है, महाद्वीपीय शक्तियों की यहाँ पे जीत हो जाएगी। तो ये किसने दिया था, मैकिंडर ने अपने सिद्धांत में दिया था। तीन स्तर इन्होंने बताए दिए हैं, हृदय स्थल हो जाएगा, आंतरिक अर्धचंद्राकार हो जाएगा, और चौथा इनका, सॉरी तीसरा इनका बाह्य अर्धचंद्राकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, यह कथन किसका है, जो भी यूरेशिया पर राज्य करता है वह विश्व के भाग्य पर नियंत्रित कर लेता है। स्पाइक मीन का है, जेलेन का है, या फिर मैकिंडर का है, या फिर हाउस ऑफर का है। इंग्लिश देख लीजिए, हु मेड द स्टेटमेंट दैट हाउस ऑफर सॉरी हुस ओवर रूल यूरेशिया कंट्रोल द डेस्टिनी ऑफ द वर्ल्ड। स्पाइक मीन है, जेलेन है, मैकिंडर है, एवं हाउस ओवर है। तो देखिए ये दोनों थ्योरी साथ साथ में चलती जा रही है, एक दूसरे के विपरीत चली थी। ये जो थ्योरी है ये स्पाइक मीन के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? स्पाइक मीन के द्वारा दी गई थी। जो अभी अपन लोगों ने हर्टलैंड थ्योरी पढ़ी थी मैकिंडर की, उन्होंने उसमें किसको बताया था, महाद्वीपों को शक्ति प्रदान की थी। किसको की थी? महाद्वीपों को। और इसके ही विपरीत में स्पाइक मैन आए, स्पाइक मैन ने जो मेन शक्ति बताई थी वो किसके साथ में बताई थी? महासागरों को, यानी कि समुद्री शक्तियों को इन्होंने मेन रखा था, किसके बजाय? महाद्वीपों के बजाय। तो ये किसके विरुद्ध में आई थी जो स्पाइक मैन आई थी? ये आई थी हर्टलैंड के विरुद्ध में, स्पाइक मैन की थ्योरी आई थी। और इन्होंने इनके अनुसार इन्होंने कहा था कि जो स्थल शक्ति की अपेक्षा क्या होगा, समुद्री शक्ति विश्व में क्या होगी, विशाल साम्राज्य स्थापित करेगी। जो आप लोग अभी भी देख रहे होंगे, अभी जैसे जो शिप वगैरह है, ज्यादातर जो व्यापार पर्यटन देखने को मिल रहा है वो आपको शिप के द्वारा देखने को मिल रहा है, तो इनका कहीं तक ठीक भी हो रहा है। और इन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखी थी 1944 में, स्पाइक मैन के द्वारा लिखी गई थी, जो कि जानी जाती है शांति का भूगोल। ठीक है, इनकी पुस्तक याद रखिएगा, पूछी जाती है, शांति का भूगोल लिखा गया था स्पाइक मैन के द्वारा 1944 में। ठीक है, और इनका जो सिद्धांत है ये भी नाम याद रखिएगा, सिद्धांत कौन सा था इनका? रिमलैंड थ्योरी इनका नाम रहा था, उसका हर्टलैंड था और इसका नाम क्या था? रिमलैंड था। ठीक है, और स्पाइक मैन ने यह भी कहा था कि जो रिमलैंड को नियंत्रित करेगा, रिमलैंड इनको इन्होंने किसको रखा था? जो हर्टलैंड के बाद में, यानी कि जो मैकिंडर की हर्टलैंड हृदय क्षेत्र था, उसके बाहरी वाले भाग को इन्होंने क्या बोला था? रिमलैंड बोला था। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि जो रिमलैंड पर शासन करेगा, यानी कि जो इस वाले एरिया पर शासन करेगा, ये जो आपका बाहरी क्षेत्र है जिसमें समुद्री शक्तियां आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा, इंडियन ओशियन देखने को मिलेगा, और आपका बाहर बाहर में आपका जो अटलांटिक ओशियन है ये भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इनको नियंत्रित करेगा वो पूरे किस पर शासन करेगा? यूरेशिया पर शासन करेगा। यूरेशिया क्या होगा? यहाँ पे आपका यूरोप प्लस एशिया को यूरेशिया बोला जाता है, यूरोप प्लस एशिया यहाँ पे यूरेशिया बोला जाता है। ठीक है, तो वो किस पर शासन करेगा? यूरेशिया पर शासन करेगा। और जो यूरेशिया पर शासन करेगा तो वो क्या करेगा? वह पूरे विश्व पर नियंत्रित कर लेगा। ये किसका कहना था? स्पाइक मैन का कहना था। थ्योरी इनकी थी रिमलैंड की थ्योरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित जनजाति के युग्मों में से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत के एक ही राज्य में स्थित है? ठीक है, कौन सा हो जाएगा? खासी नागा दिया गया है, गारो खासी है, नागा एवं मिजो है, खासी एवं मिजो है, ये क्या है? जनजातियां हैं। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज कन्फाइंड टू अ सिंगल स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। खासी एवं नागास हो जाएंगे, गारो एवं खासी होगी, नागा एवं मिजो हो जाएगी, खासी एवं मिजो हो जाएगी। तो देखिए जो एक ही राज्य में आप लोगों को देखने को मिलती है वो कौन सी हो जाएंगी? यहाँ पे गारो एवं खासी है, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती है वाली जनजातियां? ये आप लोगों को मेघालय में देखने को मिलेंगी। कहाँ पे देखने को मिलेंगी? मेघालय में ये वाली जनजातियां निवास करती हैं, वो भी अगर मुख्य क्षेत्र इनका देखा जाए तो खासी और जयंतिया पहाड़ियों में ये निवास करती हैं। ये दोनों क्या है? जनजातियां हैं। ठीक है, ये कहाँ पर निवास करती हैं? ये करती हैं आप लोगों के खासी क्षेत्र में, और जो आपका जयंतियां पहाड़ियां हैं वहां पे ये निवास करती हैं। और इनका मुख्य कार्य अगर पूछा जाए, कार्य क्या है इनका, तो मुख्य कार्य इनका कृषि हो जाएगा। क्या है ये? 80% जनसंख्या यहाँ की कृषि में संलग्नित है, और खेती भी जो कृषि भी करते हैं तो ये कैसी कृषि करते हैं? झूमिंग कृषि करते हैं। झूमिंग कृषि आप लोग को पता हो क्या होता है, कि 3 से 4 साल खेती करते हैं एक ही जगह पर, फिर उसको परती छोड़ा जाता है, जलाया जाता है और दूसरी जगह पर खेती की जाती है। तो ये आपका भाग कैसा होता है? ये आपका झूमिंग कृषि का होता है, जंगलों को काट करके खेती की जाती है, वो झूमिंग कृषि हो जाएगी। ठीक है, तो जो गारो एवं खासी जो जनजातियां हैं ये कहाँ पे देखने को मिलती हैं? मेघालय में देखने को मिलती हैं, एक ही राज्य में ये पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नांकित युग्मों में से कौन सा द्रविड़ियन भाषा का समूह है? कन्नड़ तेलुगु हो जाएगा, मराठी गुजराती है, मलयालम उड़िया एवं तमिल एवं मराठी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग द द्रविड़ियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज? कन्नड़ तेलुगु, मराठी गुजराती, मलयालम उड़िया एवं
तमिल मराठी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए द्रविड़ियन भाषा समूह का पूछा गया है, तो द्रविड़ियन में कौन सा आएगा आप लोगों का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कन्नड़ एवं तेलुगु जो होता है ये समूह किसका हो जाएगा, द्रविड़ियन भाषा समूह का हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे और भी है द्रविड़ियन भाषा में, कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं जिसमें आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे ये बोली जाती है, यहाँ पे तमिल बोली जाती है ठीक है, लेकिन यहाँ पे मराठी दी गई थी इसलिए इसको हटा दिया गया है। तमिल बोली जाती है, तमिल के बाद में यहाँ पे आपकी तेलुगु बोली जाती है, तेलुगु के बाद में यहाँ पे आपकी कन्नड़ हो जाएगी, ये भी किसका हो जाएगा, ये तो है ही इसमें तेलुगु एवं कन्नड़ हो जाएगा, और इसके बाद में मलयालम, मलयालम ये आपके किसके भाषा समूह हो जाएंगे, द्रविड़ियन भाषा समूह हो जाएंगे। और ये कहाँ कहाँ पे बोली जाती है तो इनके भी क्षेत्र याद रख लीजिए, राज्य याद रख लीजिए, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आप लोगों का आंध्र प्रदेश ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के बाद में आप लोगों कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक के बाद में आप लोगों का केरल हो जाएगा। यहाँ पे भाषा जो बोली जाती है वो द्रविड़ियन बोली जाती है ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक संकल्पना आती है स्थान लोक कार्य की संकल्पना, ये किसके द्वारा दी गई थी, यहाँ पे क्लारेंस स्टेन है, लापले या फिर इसको लीपले बोला जा सकता है, बाइडल डिला ब्लॉन्स है एवं जीन ब्रूंस है, इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए प्लेस फॉक एवं बर्क है, ये किसके द्वारा दिया गया था, क्लारेंस के द्वारा, लीपले के द्वारा एवं जो आपके बाइडल डिला ब्रॉन्स हैं या फिर जीन ब्रूंस हैं। तो देखिए ये वाली जो संकल्पना थी ये दी गई थी लीपले के द्वारा, किसके द्वारा दी गई थी, बी ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लेंगे, लीपले के द्वारा आप लोगों की ये संकल्पना दी गई थी। और ये जो लीपले थे कहाँ के, इनके बारे में जान लीजिए, ये फ्रांस के थे ठीक है, फ्रांसीसी स्कूल से संबंधित थे या फिर नॉर्मली फ्रांस से थे। इन्होंने संकल्पना जो दी थी स्थान लोक कार्य की दी थी, और इन्होंने अपनी एक रचना लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, कार्य एवं परिवार, वर्क एवं फैमिली, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, रचना लिखी थी जो पूछी जाती है, वर्क एंड फैमिली या फिर आपके कार्य एवं परिवार ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नीचे कथन ए दिया गया है और रीजन उसका आर के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो भारत में उत्तर उदारीकरण के समय में प्रादेशिक एवं अंतर वैयक्तिक स्तरों में प्रादेशिक विषमता में वृद्धि हुई है ठीक है। दूसरा ये रीजन बता रहा है नव उदारीकरण को ठीक है, इनको देखिए ये उदारीकरण की बात कर रहा है और यहाँ पे ये आपका नव उदारीकरण की बात कर रहा है। इनकी नीतियां तुलनात्मक लाभ के सिद्धांतों पर आधारित है और क्षमता मानकों से जुड़ी हुई है। तो देखिए दोनों तो सही है कि जो भारत में उत्तर उदारीकरण के समय में प्रादेशिक एवं अंतर व्यक्ति के स्तरों में प्रादेशिक विषमता में वृद्धि हुई है, बिल्कुल प्रादेशिक विषमता में आप लोगों को वृद्धि देखने को मिल रही होगी। अभी जिस तरीके का ढांचा है वो ढांचा आप लोगों का करीब 15 साल पहले नहीं था, तो ये क्या है, उदारीकरण है। और इसके बाद में यहाँ पे जो नव उदारीकरण की नीतियां हैं ये तुलनात्मक लाभ के सिद्धांतों पर आधारित है, बिल्कुल यहाँ पे लाभ देखा जाता है, क्षमता मानकों से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे आपका ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है, इंग्लिश में देख लीजिए, रीजनल डिस्पैरिटीज हैव इंक्रीज्ड बोथ एट द रीजन एंड इंटरपर्सनल लेवल्स इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड इन इंडिया, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। रीजन इसमें अलग दिया गया है, वो दिया गया न्यू लिबरलाइजेशन का, पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज एंड अडहियर टू द एफिशिएंसी क्राइटेरियन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है, तो बी ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लेंगे ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे नगर नियोजन में समीपस्थ इकाई की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, ला कार्बोजिए के द्वारा, क्लेरेंस पेरी के द्वारा, लुइस मंपोर्ट के द्वारा, फ्रैंक लॉयड राइट के द्वारा। तो यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ नेबरहुड यूनिट इन अर्बन प्लानिंग वॉज गिवन बाई ले कार्बोजियर, क्लेरेंस पेरी हो जाएगा, लुइस मंपोर्ट हो जाएगा एवं फ्रेड लॉयड राइट हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो देखिए जो नगर नियोजन की समीपस्थ इकाई की अवधारणा है ये दी गई थी आप लोगों के, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्लेरेंस पेरी हो जाएगा ठीक है। क्लेरेंस पेरी के द्वारा यहाँ पे समीपस्थ इकाई की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी ठीक है, लेकिन इनके बारे में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, तो आप लोग इनके बारे में याद रखेंगे,
यहाँ पे जो क्वेश्चन अगर बन सकता है आप लोगों का तो बताइए, यहाँ पे जो ला कार्बूजे थे वो किसके लिए फेमस थे। जब तक मैं इसका बताती हूँ कि जो लुईस मंफोर्ड है, यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी लुई मंफोर्ड के द्वारा, इसका नाम था कल्चर ऑफ द सिटी, कल्चर ऑफ द सिटीज, ठीक है। ये पुस्तक लिखी गई थी, सॉरी, इनके द्वारा लिखी गई थी ना के, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी लुईस मंफोर्ड के द्वारा, ये वाली पुस्तक लिखी गई थी कल्चर ऑफ द सिटीज। और इसमें इन्होंने क्या किया था, जो नगर थे प्राचीन काल के, पुराने नगर थे प्राचीन काल के, प्राचीन काल के नगरों का इन्होंने उद्भव किया था, नगरों के लिए इन्होंने ये उद्भव स्वरूप दिया था, यानी कि किस तरीके से नगर बने, किस तरीके से उनकी शुरुआत हुई। इसमें इन्होंने 6 नगरों के आधार बताए थे, यानी कि 6 अवस्था इन्होंने बताई थी नगरों की, जिसमें इनके नाम याद रखिएगा। पहला यहाँ पे आता है आपका इओपोलिस, ठीक है, कौन सा आता है यहाँ पे, इओपोलिस आता है। दूसरा आप लोगों का जो आता है यहाँ पे पोलिस, इनके क्रम पूछे जाते हैं, पोलिस आता है, फिर उसका आता है, उसके बाद में आप लोगों का मेट्रोपोलिस आता है थर्ड नंबर पर, मेट्रोपोलिस हो जाएगा। और इसके बाद में आपका फोर्थ नंबर पर आता है टायरानोपोलिस, सॉरी यहाँ पे मेगालोपोलिस होगा, ठीक है, मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस के बाद में आप लोगों का पांचवें नंबर पर आता है टायरानोपोलिस, टायरानोपोलिस के बाद में आपके छठवें नंबर पर, जहां पे जो नगर है बिल्कुल ध्वस्त हो चुके होते हैं, बिल्कुल पतन की स्थिति में जाते हैं, वो नेक्रोपोलिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 अवस्थाएं हैं नगरों की, वो दी गई थी लुईस मंफोर्ड के द्वारा। तो इन सभी को आप लोग सीक्वेंस में याद रखिएगा, सीक्वेंस इनका पूछा जाता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। भारत को नियोजन प्रदेशों में विभाजित करने का एक समग्र प्रयास किया गया था भारतीय योजना आयोग के द्वारा, नगर एवं ग्राम नियोजक संगठन के द्वारा, राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक शोध के द्वारा, या फिर भारतीय लोक प्रशासन के द्वारा। वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अटेम्प्ट्स टू रिलेट इंडिया इनटू प्लानिंग रीजन वाज मेड बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ओरिजिन ऑर्गेनाइजेशन एवं नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किसके द्वारा इसको किया गया था, आंसर कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पे जो आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, नगर एवं ग्राम नियोजक संगठन, यानी कि जो आपका टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा इसको प्रयास किया गया था। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर भारत में सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले भूगोलविद रहे थे 1949 में इन्होंने, कब 1949 में इन्होंने देश की नियोजन की दृष्टि से देखा था। सबसे पहले जो महत्व तो जाता है, सर्वप्रथम महत्व तो जाता है वो इन्हीं को जाता है, किसको जाता है, ये आपके प्रकाश राव को, किसको जाता है, ये प्रकाश राव को जाता है, इन्होंने सबसे पहले दृष्टि की थी। और इसके बाद में 1961 में टाइम आता है, 1961 में रामचंद्रन का नाम आता है, ये भी भारतीय ही थे, रामचंद्रन थे। इन्होंने पहली बार भारत को क्या किया था, 5 स्थल प्रदेशों में विभाजित किया था, 5 स्थल प्रदेशों में, ठीक है, ये किसने किया था, रामचंद्रन ने किया था। उसके बाद में टाइम आता है 1962 का, ठीक 1 साल बाद, नाम आता है पी सेन गुप्ता, या फिर आपके सेन गुप्ता, आप लोग जानते होंगे नाम से, सेन गुप्ता। इन्होंने भारत को 6 स्थल में, यानी कितने में बांटा था, इन्होंने 6 स्थलों में बांटा था, ठीक है। तो जो पी सेन गुप्ता है, इन दोनों के बाद में आती है, इनके नाम याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है इनके क्रम पूछे जाते हैं। आगे बढ़िए, लक्षद्वीप क्या है, एक ज्वालामुखी उत्पन्न द्वीप है, प्रवाल उत्पन्न है, या फिर विवर्तनिक उत्पन्न द्वीप हो जाएगा, कछारी उत्पन्न हो जाएगा। लक्षद्वीप आइलैंड आर ऑफ वॉल्केनिक ओरिजन, या फिर आपके कोरल ओरिजन है, टेक्टोनिक ओरिजन है, या फिर एल्यूवियल है। तो ये आपको सबको पता होगा, जो लक्षद्वीप है वो क्या है, वो आपका प्रवाल उत्पन्न है, यानी कि किससे बना हुआ है, प्रवालों से बना हुआ है आपका लक्षद्वीप, जो कि कहाँ पे है, अरब सागर में है। कहाँ पे हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, अरब सागर में है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अरब सागर में भी कहाँ पे है, ये केरल के तट पर है, ठीक है, केरल के तट पर स्थित है, तो इतना आप लोग को पता होगा। और इसकी अगर फैलना देखा जाए कितना है, तो 200 से 300 किलोमीटर, ठीक है।
200 से 300 किलोमीटर केरल के तट से दूर है ये, और इसके बाद में आपका जो फैला हुआ है लक्षद्वीप है। अगर इसमें द्वीपों की संख्या देखी जाए लक्षद्वीप में कितनी है, तो टोटल यहाँ पे 36 द्वीप हैं। और इसमें क्या है, इसमें जो 11 द्वीप है यहाँ पर आबादी रहती है, यानी कि यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है, बाकी के द्वीप जो है वो खाली पड़े हुए हैं। आप लोग जाना चाहें तो रह लेना, मुझे भी ले चलना। आगे बढ़िए। वृक्ष एवं पशुओं के घरेलूकरण का प्रारंभ काल में हुआ था। वृक्षों एवं पशुओं का घरेलूकरण कब हुआ था, ईयोलिथिक काल में, मेसोलिथिक काल में, नियोलिथिक में, या फिर पैलियोलिथिक में। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वॉज स्टार्टेड इन ईयोलिथिक पीरियड्स, मेसोलिथिक, नियोलिथिक या फिर पैलियोलिथिक। तो देखिए, जो वृक्ष हैं और जो पशु हैं उनका घरेलूकरण जो हुआ था, यानी कि घरों में उनका रखरखाव जो शुरू हुआ है वो कब से हुआ है, वो आप लोगों का ईयोलिथिक टाइम से हुआ है, यानी कि ईयोलिथिक पीरियड से हुआ है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ईयोलिथिक में और क्या क्या हुआ, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक चलता है, तो जो ईयोलिथिक है ये चला था 7 करोड़ वर्ष से लेकर के ये चला था 4 करोड़ वर्ष तक। ठीक है, तो यानी कि इसमें ये करीब कितने साल चला है, ये 3 करोड़ वर्ष तक ये चला हुआ है, 3 करोड़ वर्ष तक ये चला है। कौन सा काल है, ये ईयोलिथिक काल है। और ये जो आपका ईयोलिथिक काल है, इसमें ही क्या हुआ था, हिमालय की उत्पत्ति भी होने लग गई थी। लेकिन हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो एक ही काल में नहीं हुई। आगे आप लोगों को क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, उसमें आपको डिटेल बताएंगे कि जो हिमालय की उत्पत्ति है वो कितने किस किस टाइम पीरियड में हुई है। तो जो आपका मध्य हिमालय बना है, शिवालिक बना है, और आपका ग्रेटर हिमालय है, ये अलग अलग टाइम में बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या था, हिमालय की उत्पत्ति शुरू हो रही थी। और इसमें क्या है, जो पर्वत है, जो हिमालय पर्वत है, अभी इसमें बोला जा रहा है कि वो अपने पीक पर पहुंचने वाला है, यानी कि अभी तो वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उत्थान की ओर में है। और ये जो आपका ईयोलिथिक काल है, यहाँ पे हाथी, घोड़ा, घोड़ा के जो बाद में राइनोसोरस है, राइनोसोरस, इनमें क्या है, इनके पूर्वजों का जो जन्म हुआ था, यानी कि इनके जो बुजुर्ग लोग थे, पूर्वज थे, जैसे हमारे पूर्वज होते हैं, इनके पूर्वज का जन्म जो माना जाता है वो आपके ईयोलिथिक युग में ही माना जाता है। तो ये आप लोग इनका जो घरेलूकरण कब हुआ था ये याद रखेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल दिल्ली से संबंधित नहीं है, गेटवे ऑफ इंडिया दिया गया है, अप्पू घर दिया गया है, कुतुब मीनार दिया गया है, एवं रेड फोर्ट या फिर लाल किला है। विच ऑफ दीज हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स इज नॉट एसोसिएट विद दिल्ली, बताइए कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। इतनी देर में आप लोग आंसर कर पाएंगे अगर आपकी इच्छा होगी तो। देखिए, यहाँ पे जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये दिल्ली से संबंधित नहीं है, दिल्ली पर नहीं है। ये आप लोग को कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको मुंबई में देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है, मुंबई में आप लोगों का गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए के साथ में ये आप लोग जा रहे होंगे। आगे बढ़िए, चलिए आगे आप लोगों का क्वेश्चन। हिमालय के उत्थान का सर्वप्रथम प्रारंभ किस काल में हुआ था, मध्य प्लायोसीन में, मध्य ओलिगोसीन में, मध्य ईयोसीन में, मध्य मायोसीन में। द अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय वाज फर्स्ट इनिशिएट द पीरियड ऑफ, क्या होगा इसका आंसर कीजिए फटाफट से, कब इसका प्रारंभ हुआ था। तो देखिए, जो आपका हिमालय है इसका उत्थान हुआ था सबसे पहले, वो शुरू हुआ था मध्य ओलिगोसीन टाइम में। कब हुआ था, मध्य ओलिगोसीन में, या फिर आपका मिडिल ओलिगोसीन में इसका उत्थान प्रारंभ हुआ था। और ये विख्यात किया था, यानी इसको बताया था, जो भारत के भूगर्भ शास्त्री हैं, इनका नाम आता है DN बाड़िया के। ठीक है, मेरी स्टाइल थोड़ी सी अलग है, यहाँ पे देखिए डी किस तरीके से लिखा गया है, एन किस तरीके से लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं यार, आप लोग की छोटी बहन हूँ, बाड़िया के है। इनके अनुसार महान हिमालय का जो जन्म हुआ था 12 करोड़ वर्ष पहले, कब, 12 करोड़ वर्ष पहले इसका स्थान, जो क्रिटेशियस युग आया था आपका, क्रिटेशियस युग आया था, इसमें हिमालय का उत्थान सबसे पहले हो चुका था। ये किसके अनुसार है, ये बाड़िया के अनुसार है। और ये जो उत्थान सबसे पहले हुआ था ये ओलिगोसीन टाइम में हुआ था। कब हुआ था, ओलिगोसीन टाइम में हुआ था। और इस टाइम जो विकास हुआ था वो किसका हुआ था, बृहद हिमालय का। इस टाइम में किसका विकास हुआ था, बृहद हिमालय का विकास हुआ था।
ठीक है, किसका बोलते हैं यहाँ पे, बृहद हिमालय का। अब आता है आपका मध्य हिमालय। मध्य हिमालय का जो विकास देखने को मिलता है वो कब हुआ था, ये मायोसीन सब में हुआ था या फिर मायोसीन काल में हुआ था, मायोसीन में। इसके बाद में आप लोगों का शिवालिक आता है। शिवालिक है, इसका जो विकास हुआ है, इसका जो उत्थान हुआ है, शिवालिक क्या है, हिमालय की तीसरी श्रृंखला है, आप लोग को जानते होंगे, सबसे दक्षिणी इसको बोला जाता है। तो ये कब हुआ था, इसका उत्थान हुआ था प्लायोसीन काल में, एक मिनट, ये हुआ था आपका प्लायोसीन टाइम में इसका उत्थान हुआ था। तो इनका जो तीनों का टाइम है वो अलग अलग है, तो इसको आप लोग ये नहीं बोल सकते कि एक ही टाइम में इसका उत्थान हो गया था, अलग अलग समय में इसका उत्थान हुआ है। और ये जो सक है आपका प्लायोसिन, कौन सा है ये, प्लायोसिन का जो टाइम है इसमें आपका काला सागर बना, काला सागर आप लोग को बना। उसके बाद में आपकी जो कैस्पियन सागर है जिसको झील भी बोला जाता है, और आपका उत्तरी सागर, अरब सागर, इन सभी की जो उत्पत्ति हुई है वो कब हुई है, ये आपके प्लायोसिन टाइम पीरियड में ही हुई है। और ये जो काल है आप लोगों का प्लायोसिन जो काल है, इसी में क्या हुआ था, मानव जो था वो पूंछहीन यानी कि बिना पूंछ वाला बंदर का विकास हुआ था। किसका हुआ था, बिना पूंछ वाले बंदर का यहाँ पे विकास हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सूची एक सूची दो दी गई है, जिसमें एक तरह आपके राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है। सबसे सरल क्वेश्चन आप लोगों से इसमें पूछा गया है, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, कोहिमा, आजोल, शिलांग एवं इम्फाल। तो यहाँ पे बताइए इसकी राजधानी क्या होगी। जो मेघालय है इसकी राजधानी शिलांग हो जाती है, ठीक है, शिलांग हो जाएगी। मणिपुर की क्या होगी, यहाँ पे इम्फाल हो जाएगी, मणिपुर की इम्फाल हो जाएगी। नागालैंड की कोहिमा होती है, सबको पता है, इनकी ज्यादा पूछी जाती है पता नहीं क्यों। मिजोरम की यहाँ पे आइजोल होती है, ठीक है, ये क्या होगी, इनकी राजधानी हो जाएगी। लगा लीजिए इनकी, मेघालय की शिलांग आप लोग को एक थर्ड में दी गई है, तो ये तो एलिमिनेट नहीं होगा। इसके बाद में आपकी मणिपुर की इम्फाल दी गई है, इम्फाल आप लोगों के फोर्थ में, थर्ड के बाद में फोर्थ एक में दिया गया, तो ये हट गए, बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपका, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मानचित्र निम्नलिखित दर्शाने के लिए होता है, नगरीय क्षेत्र को, धरातल एवं